वैसे अब आपको सावधान करने वाली खबर आपके सामने रख रही हूँ। कोरोना को लेकर ये खबर है, इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये महंगा पड़ सकता है क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो रहे हैं कि लॉकडाउन रिटर्न्स का खतरा सताने लगा है। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज़्यादा बुरी है, जहाँ कुछ शहरों में लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये वार्न किया है, चेतावनी दी है कि कोरोना का वायरस खुद को बदल रहा है लगातार, और इसीलिए जरा सी भी लापरवाही हम सबके लिए महंगी पड़ सकती है। बजी कोरोना की घंटी, देश में फिर लगेगा लॉकडाउन। ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, उद्धव ने दी चेतावनी। लॉकडाउन चाहिए हाँ या ना? मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मुंबई के एक शादी समारोह में जुटी ये भीड़ बड़े खतरे को दावत दे रही है। लोगों के बीच न फासला है, कई लोगों ने मुंह और नाक को खुला छोड़कर सिर्फ दिखाने के लिए मास्क पहना है। पुलिस ने इस आयोजन पर कोरोना गाइडलाइन पालन नहीं करने पर FIR दर्ज की है। लेकिन महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इसी तरह लोगों ने ढिलाई बरती तो कोरोना बेकाबू हो जाएगा और एक बार फिर लोगों को घर में कैद होना पड़ेगा। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 19 फरवरी को पूरे देश में कोरोना के 13,193 मामले सामने आए तो सिर्फ महाराष्ट्र में 5,427 केस दर्ज हुए। 20 फरवरी को देश में 13,993 कोरोना मामले सामने आए तो सिर्फ महाराष्ट्र में 6,112 केस दर्ज हुए। कल 21 फरवरी को देश में 14,264 कोरोना मामले सामने आए तो सिर्फ महाराष्ट्र में 6,281 केस दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखते हुए उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में 8 दिनों में लॉकडाउन पर फैसला लेने की बात कही है। लोगों से सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाने की अपील भी की गई है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो तीन चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। लेकिन जब तक सरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसला लेगी उससे पहले राज्य में सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन उद्धव सरकार ने अमरावती में एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान कर इशारा दे दिया है कि अगर लोग कोरोना को लेकर इसी तरह ढिलाई बरतते रहे तो पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला जल्द लिया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरावती में जहां एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं पुणे और नासिक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुणे और नागपुर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नासिक में बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मैं इस वक्त मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हूं और ये देखिए एक कार जिसमें बैठे हुए सवारी ने मास्क नहीं पहना था और इसके चलते मुंबई महानगर पालिका के जो मार्शल हैं उन्होंने इन्हें 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये देखिए 200 रुपए का जुर्माना दे रहे हैं और यहाँ पर ये इन्होंने फाइन लिया। क्या हुआ, मास्क क्यों नहीं पहने थे? मैंने पहना था, वो अंदर वो कुछ खा रहे थे पैसेंजर, वो कुछ खा रहे थे तो बोला भाई मैं बिस्किट खा रहा था, मैं बोला बोलना था ना। जो दिखता है तो हम लोग बोलते हैं सर मास्क लगाओ, तो बोलते जाओ नहीं लगाते, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे साथ इशू होते हैं डेली। कोरोना से खतरे की घंटी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बजी है, देश में भी कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। ABP News आपको रखे आगे।